आज हम जेल गए हुए थे तो इमरान खान ने शायद उनकी कोई रिमांड की कह रही थी तो उसके लिए उन्होंने इमरान खान ने आज एक मैसेज भेजा है। हमारा ख्याल है और उनका भी यही ख्याल है कि अब ये सारी कार्रवाई जो फैज हमीद को जो घसीट रहे हैं 9 मई में उसका मकसद है कि इमरान खान को मिलिट्री जेल में शिफ्ट कर दिया जाए और इसके लिए ये सारा जो तमाशा लगा हुआ है फैज़ हमीद का जिसको इमरान खान ने ये भी कहा कि 9 मई के लिए अगर फैज़ हमीद का कोई ताल्लुक है तो बहुत सादी सी एक चीज़ है और उसको वो कहते हैं CCTV फुटेज वो पेश की जाए, केस अगर शुरू भी होता है तो वो पेश की जाए। मिलिट्री कोर्ट में जाने का मकसद ये है कि आपको बाहर पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने इमरान खान को किस चीज़ के लिए चार्ज किया है। हमें ये भी इत्तला मिल रही है कि इमरान खान की को एलिमिनेट करने का फैसला हुआ है। अगर ये मकसद ये है कि जल्दी से अलकादर में कन्विक्ट करें और 3 महीने इनको जेल में रखें, क्या इमरान खान को इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको ये एलिमिनेट कर लें, उनको ये ख़त्म कर दें? हम अब इस चीज़ के लिए आपको मैं ये बता रही हूँ, हम अकेले ही बैठ जाएंगे सड़क के ऊपर जाकर, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उठेंगे नहीं अगर इन्होंने इस किस्म की जो जो हरकत सोची भी। और ये अगर सोच रहे हैं कि जो कोई इस किस्म की हरकत सोच रहा है जो फैज़ ईसा को एक्सटेंशन सिर्फ इसलिए देने के लिए सारे कोशिशें कर रहे हैं, फैज़ ईसा अगर चला गया, इमरान खान ने कहा है कि फैज़ ईसा के 2 महीने जाने पे ये जो सारा इलेक्शन है ये उलट जाएगा। फैज़ ईसा से वो आदमी शख्स है जिसने हर किस्म की कोशिश कर रहा है, हर किस्म की कोशिश कर रहा है, किसी तरह इमरान खान को भी ख़त्म कर दे, उसने PTI ख़त्म किया, लेकिन सारा मकसद उनका ये था कि इमरान खान को ख़त्म किया जाए। ना भूलें इमरान खान कई दफ़ा बता चुके हैं, बारह बता चुके हैं, आसिम मुनीर साहब हो गए, ये फैज़ ईसा साहब हो गए, आमिर फारूक हो गए, ये सब लंदन अग्रीमेंट का हिस्सा हैं। और ये किसको चाहिए ये सारा? सुल्तान राजा तो भूले ही ना, क्योंकि वो उनको ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट करना था। और किसके लिए किया जा रहा है? वो नवाज शरीफ जो 16-17 सीटें लेकर उसको पता है कि बिल्कुल हार मानी दी है, ये उनके लिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए उस अग्रीमेंट के मुताबिक ये हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि ना PTI ख़त्म हुई है ना ये हार मानने को तैयार हैं, क्योंकि लोग इस वक्त 80-90% लोग इस पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और अब इनको जब पैनिक कर गए और उनको समझ नहीं आ रही और अब ख़ुद ये खौफजदा हैं तो इन्होंने ये सोचा है कि इमरान खान को ही ख़त्म कर दें। आप इस चीज़ के ऊपर ये देखा मैं इनकी बहुत बड़ी भूल है। फैज़ ईसा को अपनी इज्जत बचा कर और अपनी जान बचा कर मेरे ख्याल में चुप करके जो उसका टाइम आया है चुप करके रिटायर कर जाए, पाकिस्तान के साथ और ये लोग जुल्म ना करें तो बेहतर है। मैम ये कहना चाह रही हैं आप कि काजी फैज़ ईसा जो है वो मौजूदा दौर के साकिब निसार है? जो फैज़ ईसा कर चुके हैं शायद बेटा आप अभी छोटे हो, शायद आप 8-9 महीने से देख नहीं रहे, 1 साल से फैज़ ईसा ने जब जब से आए हैं जो उन्होंने आज किया, जब उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स के फाइलों को कहा था बंद करके आइंदा कभी ये डब्बा ही ना खुले, जो नवाज शरीफ की वो क्या थी वो जो सारी करप्शन थी और जो इंडियन लिंक्स थे वो इन्होंने फाइल बंद करवाई थी, वो डब्बा ही बंद करवा दिया था। एक दूसरा आपको याद होगा कि जो ज़रीना ईसा है, क्या नाम है, सरीना ईसा, नहीं मैं क्या मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, ज़रीना ईसा भी हैं और सरीना ईसा भी हैं, उन्होंने जाकर जब इमरान खान को एज प्राइम मिनिस्टर भी अटैक किया था तब तो वो बात कर सकती थी, उनको तो इजाज़त है करने के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो जजेस को भी उन्होंने जाकर धमकियां दे दी थी कि अपने भी हिसाब से बताओ, तो अगर हम बात करें तो जुर्म हो जाएगा, तोहीन अदालत हो जाएगी। लेकिन अदालत को भी इस वक्त सारा पाकिस्तान देख रहा है कि क्या कर रहे हैं फैज़ ईसा, भाई उसकी नौकरी ख़त्म हो गई है, वो मुलाजिम है इस मुल्क का, अब घर जाए। ये पूरी कायनात बदली जा रही है, पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगाए हुए ताकि फैज़ ईसा को किस लिए एक्सटेंशन देंगे, किसको
किसके लिए वो बैठाया हुआ है, किसको बचाना है। हमारे भाई की ज़िंदगी खतरे में नहीं होनी चाहिए। अगर फायजी साहब का या किसी का ख्याल है कि यही हल है, ये हल नहीं होगा। मैडम आपने के घर चले गए, आपने इमरान खान साहब को एलिमिनेट करने की बात की, खान साहब ने भी क्या इसका खदशे का इजहार किया या ये आपकी बात है? ये खदशा हमारे पास आया और हमने उनको बताया और उन्होंने आगे से कहा जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और वो हमेशा यही बात करते हैं। लेकिन मैं तो ये बात करके मैं आपको अपना कंसर्न बता रहे हैं, हम बता रहे हैं अपना कंसर्न। हमारी तो वो यही कहेंगे और उनका ईमान भी पक्का है, हमारा भी मजबूत है, लेकिन ये तो नहीं मतलब कि हम चुप करके बैठ के ये इंतज़ार करें कि कोई ऐसी हरकत कर दे। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम सब की जो बाहर हैं, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इतना कीमती हमारा असासा, हमारा भाई सिर्फ नहीं है, पाकिस्तान के लिए बड़ा कीमती है, तो हमें उनकी हिफाजत करना हमारे पे फ़र्ज है। मैडम आपने कहा हम अकेले बैठ जाएंगे, 22 को एहतजाज भी होने जा रहा है शेर अफजल मरवत की। मैं एहतजाज की बात नहीं, वो सारे ही कर रहे हैं। देखें कल शेर अफजल मरवत ने ये भी कहा कि जब मैं अंदर गया तो मैंने हाथ मिलाया तो खान साहब ने मुझे गले लगा लिया। खान साहब ने सिर्फ हाथ मिलाया था, मेरे ख्याल में बाहर आके इस किस्म की चीज़ें देखिए हमें आदत नहीं है। हम तो जब आके बात जो होती है सही बात होती वही करते हैं। शेर अफजल को सही रास्ते पे चलना चाहिए, अगर उसने आगे चलना है मेरे ख्याल में लीड करना है। वो सवाबी का भी जलसा हो चुका है, लोगों ने खुद निकल आना है, किसी को लीड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ शामिल होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि वो कोई जलसा कर रहे हैं, जलसा में जब लोग शिरकत करते हैं वो लोग अपनी खुशी और अपनी मर्जी से आते हैं, उसके लिए आप कोई भेड़ बकरियाँ नहीं है कि जिनको आपने वो चरावे ने बुलाना है तो वो आ जाएंगे। इसलिए सही बात करनी चाहिए। मैं तो इसलिए मीडिया पे भी आज कह रही हूँ, देखें हमारी भी एक थोड़ी सी हमने देखा बड़ा कुछ है आप सबके साथ मिलकर, उसके लिए सब्र भी करते हैं, लेकिन बस अब एक हद हो गई है। सारी गेमें बंद करें, सारी लड़ाइयाँ बंद करें और सारे फोकस करें इमरान खान के लिए निकालने के लिए, क्योंकि लोग यही चाहते हैं। उन्होंने वोट इसलिए दिया था कि इमरान खान को हमने बाहर निकालना है, और मेरे ख्याल में जो क़्यादत इस वक्त ज़रा थोड़ा सा सीरियस हो जाए, बचकाना ये हरकतें हैं, मेरे ख्याल में सब सीधे हो जाए, नहीं तो हम उनको कहेंगे कि बस बहुत हो गई। ये साथ ही पार्लियामेंट लॉजेज है, बहुत कम लोग नजर आते हैं, जब भी कोई पेशी होती है आप भी आती हैं, सारे आते हैं, पार्लियामेंटेरियंस नहीं आते। ठीक है, हमारा तो भाई है, हम तो आएंगे, ठीक है, हम ही काफ़ी हैं, हम और लोग हैं साथ। अगर वो तो नहीं कोर्ट में आ सकते, आपको पता है लोगों का तो बड़ा दिल होगा आने का, आ नहीं सकते, हम काफ़ी, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने भाई के लिए बैठेंगे आकर और रिहा करवा के इंशाल्लाह छोड़ेंगे। मैडम बताइएगा, आपने कहा जैसे शेर अफजल मरवत ने बाहर आके और बात की है, कुछ और हुआ था तो उनको 22 अगस्त में उन्होंने कहा कि खान साहब ने मुझे टास्क दिया है कि मैं जलसा करूँ। देखिए वो कहेंगे कि मैंने टास्क देने को, तो 22 का वैसे ही प्लान हुआ हुआ था, तो क्या टास्क होता है? लॉजिस्टिक्स करनी है, बसें मैनेज करनी है, भाई सब ने आके अटेंड करना है, सबको मिलकर या मुकाबला नहीं है आपस में, सबको मिलकर इस वक्त चलना है।